सफाने दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके चहेते यूट्यूब चैनल लीके ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, आज गुड़ी हम बात करेंगे यूपीबीसी सखी योजना के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, हमें जितनी भी नई अपडेट मिलती जा रही है, हम आपको इससे रूबरू कराते चले जा रहे हैं और आपको ये जानकारी अच्छी भी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है इसका तीसरी कॉल आई है और ये कॉल जो है कल आई थी दोस्तों हमारे पास। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैं कॉल जो है फेक वगैरह आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको अगर जानकारी, आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज होगा, पता होगा, कहीं से भी सुने होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जानकारी जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए, उनसे जब हमारी बात हुई दोस्तों, उनसे मैंने भी पूछना जो है काफ़ी कुछ जो है निकालना चाहा, पूछ करके कि और जानकारी क्या दे सकती हैं। तो फिलहाल दोस्तों, कल जो कॉल आई थी मैम ने किया था, तो वहाँ से हमें जो है कॉल करके पूछा जा रहा था कि जो है जिनके कैंडिडेट जो है उनका नाम लेकर पूछा जा रहा है, उनसे बात हो रही है नहीं। मैंने कहा जी हाँ, उन्हीं से हम उन्हीं के फैमिली मेम्बर से ही आपकी बात हो रही है। तो उन्होंने बताया कि बीसी सखी में सिलेक्शन आपका हो चुका है और आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है और ट्रेनिंग आपके करीब में ही। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लीड बैंक की बात मैं आपको कर रहा था, तो हमारे यहाँ लीड बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार मिशन संस्थान का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है बड़ौदा स्वरोजगार के तहत, दोस्तों आपको यहां पे प्रशिक्षित किया जाता है। और इस योजना में जो दोस्तों, जैसे कि इस योजना का लाभ मैंने पहले भी उठा रखा है दोस्तों, क्योंकि यहां पे बड़ौदा स्वरोजगार के अंतर्गत मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स भी कर रखा है, तो ये हमारे करीब में ही है दोस्तों। तो इस ही संस्था पर जो है बीसी सखी योजना का ट्रेनिंग चल रहा है और उन्होंने बताया कि 6 दिवसीय जो है ये कार्यक्रम है। 6 दिवस तक आपको यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, 6 दिन तक। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र वहाँ से जारी किया जाएगा, दिया जाएगा। उसके बाद की आगे जानकारी दोस्तों, मैं आपको क्या कुछ मैंने इस जो है कॉल रिकॉर्डिंग में सेव करके रखा हुआ, आप चलिए सुनते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ और जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। रमाबाई राजकीय कॉलेज के बगल में है। कहाँ पर? रमाबाई राजकीय कॉलेज के हैं, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे ट्रेनिंग होगी? हाँ, वहीं पर ट्रेनिंग होगी, 6 दिन की ट्रेनिंग है। तो समूह में जुड़ी हैं हो कि नहीं जुड़ी हैं? नहीं, मतलब कब से कब मतलब वहाँ पे होगा? वहाँ आज से ट्रेनिंग शुरू हुई है, तो कल सुबह 9:30 बजे आ जाए। तो 9:30 बजे से कितने बजे तक, कितने घंटे का रहेगा? 5:30 बजे तक। अच्छा, मतलब फिलहाल वैसा तो समूह नहीं हो, 10-12 लोग का जो समूह रहता है। हाँ, आजीविका मिशन। आजीविका मिशन उससे नहीं, बस ऑनलाइन अप्लाई वगैरह यही सब हुआ था। नहीं नहीं, तो अगर ट्रेनिंग करनी है तो समूह में जुड़ना पड़ेगा। अच्छा। समूह में जुड़ करके तभी आएंगी। अच्छा, अगर वो ना करना चाहे, जैसे उनकी जगह पे दूसरे किसी का हो सकता क्या? नहीं नहीं, किसी का और नहीं होगा, जिनका चुनाव हुआ है उन्हीं का होगा, दूसरे का नहीं होगा। हाँ, अच्छा, तो अगर उन्हें ट्रेनिंग करनी होगी तो समूह में जुड़ेंगी, तभी उसके बाद आएंगे। अच्छा, मतलब कि वो समूह ही डायरेक्ट, मतलब 10-12 लोगों का, मतलब वहाँ पे होगा। हाँ, तभी जो आजीविका मिशन का समूह है। हाँ, हाँ, पता, उसी में जुड़ेंगी, तब उसके बाद ट्रेनिंग होगी उनकी। जी जी, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सुना काफ़ी कुछ यहाँ पे, मैंने जो है मैम से पूछने की कोशिश की कि यहाँ पे समूह के द्वारा जो है यहाँ पे लोगों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि उनकी जगह पे किसी और को आप डाल सकते हैं जी। यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है दोस्तों, अगर समूह के लिस्ट में उनका नाम आया है, जो शॉर्ट लिस्ट जारी हुआ है, तो वो जो है कैंडिडेट यहाँ पे उसकी जगह पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ देखिए बताया कि यहाँ पे अगर आपने समूह बनाया है, समूह में 8-10 लोगों का हो या फिर 11-12 लोगों का या फिर 6-7 लोगों का समूह यदि आपने बनाया है, और ये समूह बनाने के बाद आपने बैंक में खाता खुलवाया होगा दोस्तों। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है कि समूह में का खाता कैसे खुलता है दोस्तों, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। सारी बीसी सखी योजना से जितनी भी रिलेटेड जानकारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जा करके उसे देख लेना, तो वहाँ प्ले लिस्ट में भी आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने साफ बताया कि जो लोग, जो कैंडिडेट यहाँ पे बीसी सखी योजना के अंतर्गत समूह बनाए हैं, वही लोग यहाँ पे प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अब आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो नियरेस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान है, और वहाँ पे कितने लोगों ने प्रशिक्षित लिया है। और यहाँ पे देखिए, प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 6 दिवसीय के बाद जो है उन्हें जब प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमने उनका आईडी निकाला फेसबुक पेज पर,
सो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है फेसबुक आईडी पर इनका निकाला, और गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपके नियरेस्ट में जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान है आपका पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि RCT BSVS। सो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपको प्रशिक्षण हमारे एरिया में जो दिया जा रहा है बेसिस की योजना का। तो यहाँ देख सकते हैं RCT का यहाँ पे फुटफॉर्म है दोस्तों, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लीड बैंक का जो हमारे यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है, आप देख सकते हैं बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रोफाइल इनकी दिखाता हूँ, फेसबुक पर इस तरीके से इनका प्रोफाइल है जो कि हमें यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पूरा एड्रेस भी मिल जाता है दोस्तों। देख सकते हैं नियरेस्ट रमाबाई पीजी कॉलेज, पीजी कॉलेज की जो बात कर रहा था दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बोला था, तो इसी के नियरेस्ट में ये बड़ौदा संस्थान ओपन हुआ है। तो इसका ओपनिंग टाइम दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे इस तरीके से 9:30 बजे से 5:30 बजे तक ही ओपन रहता है, और इसमें संडे को क्लोज रहता है। तो इस तरीके से आपको सुबह 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना है, 10 बजे से स्टार्ट होगी आपकी ट्रेनिंग और 5:30 बजे तक, उसके बीच में आपको वहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ रहती है दोस्तों, लंच वगैरह करने की सब कुछ व्यवस्था वहाँ पर आपको दी जाती है। वहाँ एक अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है दूर का है तो वहाँ उन्हें रुकने की व्यवस्था भी रहती है। तो अब यहीं पर ही मैं दोस्तों आपको सारी जानकारी देना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये पेज है January 2019 की, और यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग प्रशिक्षण संपन्न अंबेडकर नगर बैंक ऑफ बड़ौदा के उपक्रम बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान बड़ौदा RCT में बैंक सखी का 6 दिवसीय निःशुल्क आवासीय बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न होगा। तो इस पेज को मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया दोस्तों, यहाँ से फुल पेज में आ रहा है तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे निःशुल्क आवासीय बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गए अग्रणी जिला प्रबंधन LDA आशीष सिंह व जिला मिशन मैनेजर अतुल कुमार द्वारा 34 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे अगला बैच जो है 27 जनवरी से शुरू होगा, यानी कि देख सकते हैं कि 27 जनवरी से अगला बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ दोबारा। तो यानी कि एक बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होकर के ख़त्म भी हो चुका है। तो जिन लोगों ने पहले बेसिस की योजना में जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो उनकी लिस्ट पहले आई थी, उन लोगों को पहले कॉल आएगी, और जिन्होंने बाद में किया दोस्तों तो उनको बाद में उनकी लिस्ट आएगी, तो बाद में उन्हें कॉल जरूर किया जाएगा, और उनका बेसिस की योजना के तहत अगर नाम है तो उनको पास कॉल आएगा और उन्हें 6 दिवसीय प्रशिक्षण उनके ही निजी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उप स्वरोजगार विकास संस्थान के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक न्यूज और हमें यहाँ पे मिल जाती है हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी योजना के अंतर्गत जनपद में चयनित 918 बीसी सखियों का प्रशिक्षण RCT में आरंभ हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 918 जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्टेड हो चुके हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो यहीं पे देखेंगे दोस्तों पूरी इसमें क्या बताया गया है, उसके पहले बैच का सत्रवासन उपवक्त स्वरोजगार RB यादव द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बीसी सखियां अपनी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों पर बैठकर ग्रामवासियों को बैंकिंग और बीमा की सेवाएं देंगी, उसके बदले में 6 माह तक 4,000 प्रतिमाह का मानदेय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने लेन देन के लिए 50,000 के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए बिना ब्याज का ऋण समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, तथा अपना कार्य करने के लिए 25,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। आज के समापन समारोह में प्रथम बैच के महिलाओं को RCT डायरेक्टर अजय वर्मा, जिला मिशन प्रबंधन अतुल चौधरी, प्रिया सिंह, तो जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो मुख्य अधिकारी हैं उनके नाम वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पे मूल बात है दोस्तों कि यहाँ पे 918 बीसी सखियों का हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं प्रमाण पत्र वितरित भी किया जा रहा है, और यहाँ पे 6 माह तक उन्हें 4,000 रुपये देंगे, उसके बाद डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये अपने पहले भी इसमें बीसी सखी योजना के अंतर्गत प्राप्त की है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी मुझे यहाँ पे इस साइड पर इस पेज पर आने के बाद मिला, तो मैं इससे भी रूबरू नहीं था जब मैंने डायरेक्टली इनका पेज ओपन किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जा चुका है, और यहाँ पे ये सब न्यूज़ में भी निकलता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इतने महिलाओं ने जो है इसके अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया आजीविका मिशन के तहत, और यहाँ पर इन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपको भी कॉल आ सकती है दोस्तों, और यहाँ पर
तो जब भी आपकी कॉल आए, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपका अपना समूह होना बहुत ही आवश्यक है। तो समूह का फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो भी आपके ब्लॉक में पता करेंगे दोस्तों। तो आपको समूह का फॉर्म, या फिर आपके निजी बैंक में जाएंगे वहाँ पर भी आपको इस तरीके का फॉर्म वगैरह की जानकारी मिल सकती है। तो समूह पहले आपको बनाना होगा। समूह बनाने के तत्पश्चात ही आप जब कॉल आएगा आपके पास, तो आप जो है यहाँ पे प्रशिक्षण जो है ले सकती हैं। तो आशा करो दोस्तों आपको ये जानकारी जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर मन में कोई सवाल है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब एक और नई जानकारी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।